सारी नैरेटिव, सारा डिबेट आप जाकर देखिए, तो वो उस हिंदू कुंठा को रचने में लगे हुए हैं। न्यूज चैनलों पर अगर आप देखें तो पहले के पत्रकारिता में सांप्रदायिकता विलेन हुआ करती थी, आजकल कौन खलनायक है? सेक्युलर होना खलनायक। टुकड़े टुकड़े गैंग बनाया जा बताया जाता है, लिबरल बताया जाता है, सेक्युलर बताया जाता है, इन सब को कारण बताया जाता है कि इनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और वो सांप्रदायिकता को की ढाल को बचाए रखने के लिए आप राष्ट्रवाद का लेकर आते हैं, तो हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि बहुत तरह के मुद्दे गढ़े जा रहे हैं जो लेजिटिमाइज किया जाता है। कोई नेता बयान देता है और कोई नेता ट्वीट करता है, इसको लेकर लेजिटिमाइज किया जाता है। और हफ्तों एक विषय पर डिबेट होता है, राम मंदिर को लेकर। कुंभ के दौरान अगर आप टेलीविजन चैनल को खोलकर देख लें तो पूरी डिबेट जो है उनकी, वो किस चीज को लेकर है? तो वो राम मंदिर को लेकर है। और जो स्क्रीन पर जो बातें लिखी गई हैं, जो फ्लैश लिखे गए हैं, जो सुपर लिखे गए हैं, उनकी भाषा देखिए आप, वो किसकी तरफ से लिखे गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको देखते देखते, आपको दिखाते दिखाते इन टीवी चैनलों ने आपको किस तरह से बदल दिया है। और एक बयान आता है कि नहीं, हम चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, और वो सारा डिबेट गायब हो जाता है। दरअसल वो 3-4 हफ्ता या 5 हफ्ता या 1 महीना वो समय था जब रोजगार को लेकर बहुत बड़े सवाल उठ खड़े हो रहे थे, जब तरह तरह से अर्थव्यवस्था की संकट की खबरें सामने आ रही थी, टीवी को इनसे बचना था। तो बचाने के लिए हर समय एक लेजिटिमाइज तरीका से कोई बयान दे देता है, और वो चूंकि आसान हो जाता है, वहां से रेफरेंस पॉइंट लेकर ये डिबेट के मंच सजाए जाते हैं। एक मौलवी साहब खलियर मिल जाते हैं, एक कोई और हिंदू संगठन के खलियर मिल जाते हैं, दो लोग आते हैं और एंकर इसमें तीनों मिलके जो सांप्रदायिकता और हिंदू कुंठा को उभारने का जो काम करता है, आपको लगता है कि ये किसी हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर रहे हैं। उस पैमाने से भी देखें तो वो हिंदुओं के साथ बड़े अन्याय कर रहे हैं। क्या हिंदू नौजवानों को नौकरी नहीं चाहिए? चाहिए। उस पैमाने से भी वो हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। 4-4 हफ्ता 5-5 हफ्ता ये नेशनल सिलेबस जिसको मैं कहता हूं, वो एक तरह से इस पर लॉन्च होता है और किया जा रहा है। पूरे जो सूचना तंत्र है, आपको कई बार लगता होगा, कई लोग कहते हैं नहीं, आज जमाना बदल गया है, बहुत सारे चैनल आ गए हैं, पर उन चैनलों पर सूचनाएं क्या हैं? उन पर कोई सूचना नहीं है। आप देखें तो 3-4 थीम एंड थ्योरी के आसपास डिबेट चल रहे हैं सारे चीजें। वो परसेप्शन बनाने का काम कर रहे हैं, और वो परसेप्शन बनाने के लिए भी रिपोर्टर के द्वारा या उस चैनल के द्वारा लाई गई सूचनाएं नहीं है। उन सूचनाओं का एक खास तरीके से हिंदूकरण किया गया है, ताकि उसके कवर में, उसकी खाल में छिपकर जो सामने तार्किक बात करने वाला व्यक्ति बैठा है उसको छोटा दिखाया जा सके विजुअल में। और इन पूरे सूचनाओं की विविधता जब समाप्त हो जाती है, आपको लगता है कि चूंकि आपके पास रिमोट है तो आप सब जानते हैं, दरअसल अब रिमोट यूजलेस है। आप कोई भी चैनल बदल लीजिए, आपको वही सूचना मिलेगी, वही मुद्दा मिलेगा, वही भाव मिलेगा, अब आप उससे बचकर नहीं निकल सकते। ये एक इंफॉर्मेशन लेस स्थिति है, सूचना विहीनता की स्थिति है। अगर आप उससे असहमति रखते हैं, जरूर रखिए, घर जाकर एक हफ्ता चैनल देख लीजिएगा, और आपको पता चलेगा कि आप इन चैनलों में क्या देख रहे हैं। इसमें किसी में भी सूचना नहीं है, प्रोपेगेंडा है। वो भी तरीके से कर सकते थे, पर निर्लज्जता से करने का ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि हमने इन 20-25 सालों में यूनिवर्सिटी और पढ़ाई का सिस्टम खराब किया है। लोगों के समझने की जो पूरी जो क्षमता है संदर्भ के साथ, उनके अवसरों को हमने सीमित किया है, तो इसकी वजह से ये चल रहा है, ये बिक रहा है।
एक पूरे वोटर जमात को, एक दर्शकों का जो जमात था उसको रिप्लेस करके समर्थकों को दर्शकों के बीच लाया गया ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए, और उनको जो दर्शक थे उनको समर्थक में बदला गया और जो समर्थक थे उन्हें हिंदू में बदला गया। जहां उनके लिए बहुत कॉमन बात है कि मेरा एक साधारण सा सवाल पूछना उनको देशद्रोह का सवाल लगता है। और इसी जनवरी से लेकर चुनाव के आचार संहिता लागू होने से पहले भारत के प्रधानमंत्री 100 के करीब सभाएं करते हैं। किसी अखबार में ये हिम्मत नहीं है कि ये पूछ दे कि इन सभाओं का खर्चा कितना है। किसी अखबार में हिम्मत नहीं है कि जो विज्ञापन मिला है कि इन इन कार्यक्रमों के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। जिन योजनाओं का वो शिलान्यास करने आ रहे हैं उनका कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना भी है या नहीं, कुछ भी पता नहीं। वो गोदाम का उद्घाटन करने गए और गाजियाबाद आए तो ऐसे दो स्कूलों का उद्घाटन कर गए जो सिर्फ इमारत बनी हुई है, उसमें ना टीचर की नियुक्ति है ना उसमें छात्रों ने अभी तक एडमिशन लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री बटन दबाकर उद्घाटन करके चले जाते हैं और पन्ना भर भर के दिया जाता है। हालत यह है कि वो जब काशी विश्वनाथ गए तो वहां के उनके कार्यक्रम के विज्ञापन में यह लिखा हुआ था कि पंखा और कूलर की व्यवस्था की जाएगी। क्या भारत के प्रधानमंत्री की ये हालत हो गई है कि कहां बेंच किसने रखा उस पर भी अपना नाम लिखवाएंगे। पंखा और कूलर तक का विज्ञापन छपा, उसमें लिखा है कि इस मंदिर में विशेष रूप से इस कॉरिडोर में पंखा कूलर और छावनी की व्यवस्था की जाएगी। तो सूचना विहीनता की स्थिति में आप पाठक और दर्शक की स्थिति में पहुंच गए हैं कि ये सब अब आपको नॉर्मल लगता है, और जब सवाल पूछ दीजिए तो कहते हैं बताइए उनके बाद कौन। जब वो हैं सामने तब मैं उनका सवाल पूछ रहा हूं, कौन है मैं क्यों जवाब देने जाऊं उसका, ये मेरे प्रश्न का इससे तो कोई संबंध है नहीं। हर अखबारों ने उनका विज्ञापन खाया, हर अखबारों ने झूठ का विज्ञापन खाया। अपने इलाके में जो योजनाओं की स्थिति है, जो अच्छी स्थिति थी वही बता देते कम से कम, ये जिनका करने आए हैं उसकी अच्छी स्थिति है। एक बड़ी योजना के बहाने पुराने पुराने योजनाओं को जमा करके डेटा बड़ा किया गया, 32,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो अखबार जो है और जो न्यूज चैनल है इन दोनों को अलग करके अब देखने से कोई फायदा नहीं है। इन दोनों का यही काम है कि प्रधान